एबीपी न्यूज़ 24x7 सच्चाई कलम की नोक पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीपी न्यूज़। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर, आजमगढ़ जनपद में कुल 10 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ मतदान आगामी 7 मार्च को कराया जाएगा। इस समय जनपद में सियासी पारा काफी गर्म हो गया है। सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों का नामांकन प्रक्रिया अंतिम चरण में चल रही है। वहीं इसी कड़ी में जनपद के गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी मिर्जा सानालम बेग द्वारा गुरुवार को नामांकन किया गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं व उनके समर्थकों में काफी उत्साह देखने को मिला। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों द्वारा नामांकन के बाद लड़ियागंज में आगमन होते ही फूलों का माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। उक्त अवसर पर मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र में मेरा जनसंपर्क अभियान लगातार जारी है और मुझे जनता का काफी समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी हर जाति धर्मों को साथ लेकर चलती है। वर्तमान में बेरोजगारी, किसान अहित, उत्पीड़न, महंगाई व आदि चरम सीमा पर है और जनमानस सभी समस्याओं से त्रस्त हो चुकी है और इस विधानसभा चुनाव 2022 में बदलाव के लिए कटिबद्ध हो चुकी है। मुझे गोपालपुर में काफ़ी जनसमर्थन मिल रहा है और लोग हम काफ़ी पसंद कर रहे हैं। अगर जनता ने इस बार हमें अपना आशीर्वाद प्रदान किया और मेरी कलम मजबूत हुई तो गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र का विकास मेरा प्रथम लक्ष्य होगा और विधानसभा क्षेत्र में विकास की गंगा बहाने का कार्य करूंगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आते ही बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, किसान हित, बढ़ती हुई महंगाई सहित अन्य मुद्दों पर कार्य करेगी और इस जनमानस समस्याओं को दूर करने का कार्य किया जाएगा। गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र से राजनीतिक दलों के तमाम जनप्रतिनिधि चुने गए परंतु गोपालपुर की जनता के समस्याओं को दूर करने के लिए कोई खरा नहीं उतरा। अगर इस बार मुझे गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के जनता का आशीर्वाद मिला तो जन समस्याओं को दूर करने के साथ साथ सभी मुद्दों पर विकास कार्य किया जाएगा। आज देखिए योगेंद्र प्रजापति की खास रिपोर्ट। आप इतने बड़ी पार्टी से इतनी बड़ी जिम्मेदारियां दी गई हैं, क्या आपको लगता है कि आप यहाँ पे के आप ही के समाज से सीटिंग MLA हैं, क्या उनको आप तोड़ पाएंगे? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, कोई भी पार्टी हो, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, चाहे जो भी दल हो, सबकी एक अपनी आइडियोलॉजी है। कुछ पार्टी सिर्फ जात और बिरादरी के नाम पर राजनीति करती हैं, कुछ पार्टियाँ जो है धर्म के नाम पर राजनीति करती हैं, मगर कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो न जाति के आधार पर राजनीति करती है न धर्म के आधार पर राजनीति करती है। ये राष्ट्रहित में, सर्व समाज के हित में, आम जनमानस के हित की राजनीति करती है और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जब जब किसी के ऊपर अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ, चाहे आप हाथरस की घटना का जिक्र करूँ, चाहे लखीमपुर की घटना का जिक्र करूँ, या उत्तर प्रदेश में इस तरीके की बहुत सी घटनाएं हुई हैं, चाहे मैं बिलरियागंज CNRC की घटना का जिक्र करूँ, तो कांग्रेस पार्टी या पलिया की घटना का जिक्र करूँ, तो कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी थी या उसके नेता थे जो पूरी तरीके से जो है उस वहाँ पर जो है पीड़ित पक्ष के साथ खड़े रहे और लोगों को जो है फायदा पहुँचाने, यानी उनकी परेशानियों को बांटने का काम किया। एक बड़ा हिस्सा आपके गोपालपुर क्षेत्र का देवरांचल में आता है, हर साल बाढ़ पीड़ित की समस्या रहती है, उस क्षेत्र के लिए आप क्या करने वाले? मैं उस क्षेत्र में अभी मैं कुछ कह नहीं सकता, मैं बस इतना चाहूँगा कि जो त्वरित कार्रवाई हो सकती है, बाढ़ आने के बाद जो संसाधन हम जुटाते हैं, क्योंकि वो ऐसा इलाका है, आप उस इलाके को जो बाढ़ पीड़ित इलाका है उसके लिए बाढ़ के पानी को आप नहीं रोक पाएंगे जिस तरीके का इलाका है वो, लेकिन ऐसे इंतज़ाम तो कर सकते हैं। अगर नाव बाद में आती है तो नाव का इंतज़ाम पहले हो सकता है, जब वो मौसम आए बारिश का, उससे पहले बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो पहले की जा सकती हैं, मगर वो पहले चीज़ें होती नहीं हैं, इसलिए समस्याएं जो है छोटी समस्या भी बड़ी हो जाती है। महंगाई के बारे में कुछ? महंगाई अपनी चरम सीमा पे है और महंगाई से आम जनजीवन जो है, आम जनमानस जो है त्रस्त है, और चाहे विशेष रूप से जो खाद्य पदार्थ है जिससे आम इंसान अपनी जीव अपने पेट को भरता है, खाने की पीने की जो चीज़ें हैं उस पर इस कदर महंगाई की मार है कि आम इंसान के मुंह से निवाला दूर होता जा रहा है। बीजेपी का कहना है कि हम 400 पा रहे हैं, 300 पा रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, बीजेपी झूठ और फरेब की राजनीति करती है और इनकी अब मक्कारी, इनकी कलाकारी, इनकी अदाकारी 2022 में समाप्त होने वाली है और 2022 में कांग्रेस पार्टी आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनने जा रही है। इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? ये सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आम जनमानस का और खास तौर से शीर्ष नेतृत्व का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा
कि आज मुझे राष्ट्रीय पार्टी से जनता के बीच में एक कैंडिडेट के रूप में जाने का अवसर मिल रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, विशेष रूप से आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी, आदरणीय सोनिया गांधी जी, इन लोगों का विशेष आभार कि इन्होंने मुझ जैसे कार्यकर्ता को टिकट देकर जनता के बीच में भेजा। इससे न सिर्फ नौजवानों का बल्कि छात्र नेताओं का पूरे आजमगढ़ सहित पूरे पूर्वांचल में जो है जो हौसला बढ़ाने का काम किया, उनका सम्मान देने का काम किया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लगभग हम कई हफ्तों से घूम रहे हैं क्षेत्र में, क्या समस्याएं आपको यहां से उभरती हुई नजर आई? समस्याएं तो बहुत हैं, मैं किस चीज़ का जिक्र करूँ? बस मुख्य रूप से जो मूलभूत समस्याएँ हैं वो सड़क की समस्या है, रोजगार की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है। ये सारी समस्याएं जो है, ये मूल जो आम इंसान की बुनियादी जो समस्याएं हैं उससे जुड़ी है, और उन समस्याओं पे मेरा फोकस होगा। आप सबसे एक राष्ट्रीय पार्टी से यहाँ से नामांकन किया है, आज किन मुद्दों पे आपको यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे, क्या मुद्दे होंगे? देखिए, मेरा मुद्दा होगा कि यहाँ पे शिक्षा की बेहतर व्यवस्था की जाए, खेल कूद का बेहतर इंतज़ाम किया जाए, और स्वास्थ्य के लिए बेहतर व्यवस्था की जाए। और यहाँ पे जो परशुरामपुर में, मैं आपके चैनल के माध्यम से गोपालपुर के विशेष रूप से क्षेत्र की जनता को ये बताना चाहूँगा कि गोपालपुर के विकास पुरुष स्वर्गीय वसीम अहमद साहब के पीरियड में परशुरामपुर तहसील प्रकाश में आई थी, उसकी शायद स्वीकृति भी हुई थी, लेकिन उनके जाने के बाद या कल 2017 में जब उनका टिकट नहीं हुआ, उसके बाद उस पर कोई प्रयास नहीं हुआ कि एक परशुरामपुर की तहसील जो है चालू हो जाए। मौन रहे लोग। मार्टिनगंज की तहसील भी स्वीकृत हुई, वो चालू है, लेकिन परशुरामपुर की तहसील पे अभी कुछ भी काम नहीं हुआ। मेरा प्रयास होगा कि मैं स्वर्गीय वसीम साहब के जो ये सपना था, जो कोशिश की थी आम जनमानस को सुविधा देने के लिए इस तहसील के माध्यम से, मैं उसको पूरा कर सकूँ, मेरी ये कोशिश होगी। एक चीज़ और है कि आप इतने बड़ी पार्टी से इतनी बड़ी जिम्मेदारियां दी गई हैं, क्या आपको लगता है कि आप यहां पे के आप ही के समाज से सीटिंग MLA हैं, क्या उनको आप तोड़ पाएंगे? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, कोई भी पार्टी हो, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, BJP हो, चाहे जो भी दल हो, सबकी एक अपनी आइडियोलॉजी। किस पद पे है, किस लेवल पे है? पंचायत अध्यक्ष ही नहीं, देखिए एक चीज है, एक दिन रात में मैं खुद विचार बना रहा था, ये चुनाव से राजनीतिक सामाजिक सरोकार से भरपूर देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों से करेंगे आपको रूबरू। आइए रुक करते हैं आज के खबरों की ओर आपके अंदाज में। ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।